स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो 51 पदों पर अभी तक मतलब घोषित तो किया नहीं कि इतने पोस्ट हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे जो छात्र हैं वो 51 पदों की डिमांड कर रहे हैं, तो शीघ्र जारी कर दीजिए। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मध्य प्रदेश में पिछले 11 वर्षों में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 का रिजल्ट पीटीआई द्वारा किया जा चुका है, लेकिन विभाग द्वारा भर्ती विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया गया है। प्राथमिक शिक्षक विद्यालय मतलब शिक्षक विहीन है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में कमी है। सुनने में तो ये भी आया कि 1.25 लाख पद जो कि रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं, जिसमें 1.25 लाख पद खाली हैं, लेकिन फिर भी हमको न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चल रहा है कि 7,500 पदों पर भर्ती होगी, जो कि इन बच्चों के साथ अन्याय है, क्योंकि जब 1.25 लाख पद खाली हैं और 11 साल से नहीं आ रही है। अगर आप 10,000 या 5,000 भी हर साल का हिसाब लगाएंगे तो 50,000 से ऊपर जा रही है, तो कम से कम 50,000-51,000 पदों पर भर्ती आनी चाहिए और संयुक्त काउंसलिंग की जानी चाहिए, ताकि जनजाति विभाग जैसे अभी जनजाति विभाग की काउंसलिंग हो रही होती है, अब बीपीआई वाले क्यों नहीं करवा रहे हैं इसके पीछे हमको पता नहीं चल पा रहा है। तो दोनों काउंसलिंग एक साथ हो, ताकि बच्चे जल्द जल्द ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि अगर जनजाति में पहले करवा दिया फिर हम 6 महीने बाद 1 साल बाद फिर बीपीआई निकाल रहा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी कमी यहाँ पर भी है। 11 साल बाद क्या बनेगा? एक ही मांग, कृपया निवेदन है कि उपरोक्त बिंदुओं पर विचार करते हुए प्राथमिक शिक्षा भर्ती शीघ्र पूर्ण की जाए। समस्त अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020। एक मिनट आराम से कर लो, बस ठीक है। अरे 10-12 कर दूं? अरे एक से भी वही तो होगा, 10-12 से भी वही। अब नहीं, बस दो दो मैडम को एक फोटो खिंचवा लो, आराम से ले सकते हो मैडम। आप लोग इधर जाओ, तो साइड में हो जाए, थोड़ा साइड में। अरे भारत माता की जय।